Good evening. I am somewhere in the world, this beautiful world that the Lord has made. And He gave His only begotten Son for us to have an everlasting life. Today I have a short message for you. आपके लिए एक छोटा मैसेज है मेरा. देखिए, हर चीज़ बदलती है ज़िंदगी में. मौसम बदलते हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, ऑटम आता है, फॉल आती है, हर चीज़ बदलती है. तो बदलना हमारे को भी ज़रूरी है. सिर्फ एक आदमी, एक प्रभु का बेटा नहीं बदलता, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट. ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर. वो कल भी वैसा था, आज भी वैसा है और कल भी वैसा रहेगा. ये हमारे लिए बड़ी शांति की बात है कि प्रभु हर वक्त सही करता है, बदलता नहीं है. उसका ऐसा नहीं कि आज मूड खराब है, आज मूड ठीक है. लेकिन मेरा मैसेज आपके लिए क्या है कि दिस इज अ सीजन एंड आई स्पीक फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड. आई बिलीव कि ये सीजन जो है आपके लिए चेंज का सीजन है और अच्छी चेंज का सीजन है. इट्स अ गुड सीजन ऑफ चेंज बिब्लिकली इन योर लाइफ. सो इन दिस शॉर्ट मैसेज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज बी रेडी टू चेंज. गेट आउट ऑफ द वेल. द वर्ल्ड इज ह्यूज एंड ब्यूटिफुल. आप कुएं में से बाहर निकलिए और दुनिया में आगे जाइए. बाइबल के बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने शहर छोड़ के आगे गए तो उन्होंने बहुत उन्नति करी. तो मैं आज आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो प्रभु चेंज आपके सीजन में, आपके जीवन में भेज रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए. एक्सेप्ट द चेंज, द गुड चेंज, द इंक्रीज ऑफ योर टेंट. रिसीव इट. उसको रिसीव कीजिए. उस बदलाव को आप अपने पूरे दिल से रिसीव कीजिए. पहला स्क्रिप्चर इसमें है हिब्रूज 13:8 में, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर. हमेशा बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है प्रभु यीशु. उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट है. हमारे को बदलने की ज़रूरत है क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं. और दूसरा स्क्रिप्चर आपके लिए ये है, आपके लिए, आपकी स्पिरिट में बोलता हूँ मैं. आई स्पीक इट इन टू योर स्पिरिट. आइज़ाया 43:19. ब्यूटिफुल वेदर हियर, नाइस ग्रीनरी, आई लव ग्रीनरी. Isaiah 43:19. See, I am doing a new thing. Receive it. You and me receive it. देखिए, मैं आपके जीवन में एक नया करने जा रहा हूँ. Now it springs up. और वो अभी spring हो रहा है. होएगा नहीं, हो रहा है. उसको पहचानिए आप. Do you not perceive it? उसको पहचानिए आप. Perceive कीजिए. Perceive it. May the spirit of perception come into your hearts. May the spirit of wisdom come into your heart. May you perceive a new thing that God is doing. I am making a way in the wilderness. जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे मैं एक रास्ता बना रहा हूँ. और जहाँ पे वेस्ट लैंड है, डेजर्ट है, वहाँ मैं नदियाँ बहा रहा हूँ. तो जो काम आपके आज तक नहीं हुए और जो नए काम हैं वो अब आप होंगे. इस वर्ड को रिसीव कीजिए, चेंज कीजिए, एक्सपैंड कीजिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए. गॉड लव्स यू एंड आई लव यू टू. बाय बाय.